का पक्ष यूसीसी पर? मेरा पक्ष यह है जी कि ये लागू नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन ने क्या पहले इसके लिए कहा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर एक जैसा कानून होगा तो सभी को आसानी होगी, फिर विरोध आखिर क्यों? ये सिर्फ बीजेपी को आसानी होगी इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है, हिंदू मुस्लिम करना है। अभी जितनी बातें हो रही है सिर्फ मुसलमान को लेके हो रही है, चार शादियां और इस तरह की और चीजें सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके और इस पर चर्चाएं हो रही है, और जो आवाज उठा रहे हैं उनसे कह रहे हैं नहीं नहीं आप पे लागू नहीं होगा। तो ये कैसा यूसीसी है, ये कोई तमाशा है, मुल्क है, मजाक है। एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए फिर दूसरे कानून में छूट क्यों? चर्चा करो, सब पे करो, खाली मुसलमान पे क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप तो वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। नहीं तो कहां हो रहा है? कहीं हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके इलेक्शन जीतना है। यहाँ सैकड़ों अलग अलग जो है मजहब के लोग हैं, यहाँ अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनका खान पीन है, अलग अलग उनका तमाम सिस्टम है, वो कब एग्री करेंगे इसके लिए? कोई एग्री करने वाला नहीं है। और आपने जबरदस्ती लागू किया तो अराजकता फैलेगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मणिपुर की हालत देख रहे हैं, हर जगह यही होने वाला है। तो ये आप ये ना समझें कि ये यूसीसी के नाम पर खाली मुसलमानों को घेर कर, ये तो इलेक्शन का स्टैंड है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा। इलेक्शन नहीं होता तो ये दोबारा ये बात ही नहीं उठती। अब इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास कि किस मुद्दे को लेकर के हम इलेक्शन जीते, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया कि चलो भाई ये बहाना लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दो दफा हम जीत चुके हैं, आपको डर लग रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? और जैसा कि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, चाहे ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव में उतरी और जीत भी मिली है, तो क्या डर रहे हैं आप लोग कि दोबारा से बीजेपी की जीत ना हो जाए? नहीं नहीं, जीत की देखिए, जीत तो होना नहीं होना वो तो पब्लिक के हाथ में है। अब ये बीजेपी को भूल जाना चाहिए, ये 370 वाला केस नहीं है कि 370 को आपने हटा दिया और चलो शांति रह गई, ये वो केस नहीं है। यूसीसी का मामला अलग है, यूसीसी कोई आसानी से नहीं होने वाला बदलाव, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध होगा। और इसी के अंदर बीजेपी चले जाएगी। पर्सनल राय हो सकती है, व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसे कोई कबूल नहीं करेगा? हो सकता है बाकी लोगों को ये ठीक लगे। ये तो आपका सर्वे बता रहा है, बिल्कुल आप जैसा चाहते हैं सर्वे करा लेती हैं। आपके सर्वे का तो हाल ये है सर, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर जाकर सबसे मुलाकात करके, सवाल जवाब करके, और जो उन्होंने जवाब दिए हैं वही लिखा गया है और वही सर्वे में हम दिखा रहे हैं। मुसलमानों से तो सवाल जवाब किए ना, सवाल उठा सकते हैं। अरे तो मुसलमानों से तो सवाल जवाब किए ना, बाकी से करो ना सवाल जवाब, उनके रीति रिवाजों के बारे में सवाल जवाब करो ना, सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जा रहा है एक विशेष समुदाय को इससे दिक्कत है, तो उनसे सवाल जवाब किए। हकीकत भी यही नहीं, दिक्कत क्या है? अरे भाई दिक्कत तो सभी की होगी जब बदलोगे आप। क्या दिक्कत है? सिस्टम को जानना चाहते हैं हम। बता रहे हैं ना आपको, बताइए कि यूसीसी में जो हमें आजादी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, अपने मजहब पे रहकर अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, आईसेल में अपने मजहब को जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है कि हर आदमी अपने मजहब की अपने आजादी से पालन करेगा, तो उसी के खिलाफ तो ये कानून ला रहे हैं आप। अब चार शादी तो पूरे हिंदुस्तान में समझता हूं 1000 में एक आदमी ऐसा होगा जिससे चार शादी की होगी, और वो भी मजबूरी में, उसको टारगेट बना रहे हैं आप लोग बिला वजह। हाँ हमारे मजहब ने इजाजत दी है, वो भी किस हालत से? निमिषा जी, आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जिससे कि 2024 के चुनाव में जीत मिल सके, क्या है आपका जवाब? भारत के अमृत काल में समान नागरिक संहिता को लेकर के आपने जो शोध, आपने जो रिसर्च करवाया, सबसे पहले मैं तुम्हें आभार व्यक्त करूंगी। लोकतंत्र का मसीहा बनकर के लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने का प्रयास जो आपके चैनल के द्वारा किया गया, इसके लिए पुनः आभार। हम
भारतीय संविधान के अधीन रहने वाले नागरिक हैं और हम सबके लिए एक ही कानून है। किसी भी तरह के तुष्टिकरण की आड़ में जो भी लोग, एक विशेष धर्म के लोग, जिस तरह से विवाह की उम्र को, उत्तराधिकारी के नियमों का अवहेलना करके शोषित वर्ग को समान करने का प्रयास जो किया जा रहा है, वो स्वागत योग्य होना चाहिए। अभी महाशय जी कह रहे थे कि 1000 में से एक भी है तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सबके लिए एक ही कानून हो। आप मूल अधिकार की तो बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स 19, 20, 21, 22 को तो आप लगातार कहते हैं कि हमें मूल अधिकार प्राप्त है, उसका तो आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 44 की अवहेलना क्यों करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि चाहे कोई भी विशेष धर्म हो, उसके माध्यम से जिस तरह से शोषण और शोषित किया जा रहा है, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने का ये एक पुरजोर प्रयास है। ये लोकतंत्र की आवाज है, तो कोई विशेष धर्म से दबाने का प्रयास ना करे। लोकतंत्र की आवाज आप बता रही हैं, एक देश एक कानून हो, जिससे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कई सारे फायदे होंगे और जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि न्यायालय में कई सारे मामले हैं जो लगातार टालते चले जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कानून है, अलग अलग लोगों की राय होती है और ऐसे में दिक्कतें होती है न्यायालय में, और ऐसे में अगर एक देश में एक कानून आता है तो निश्चित तौर पर न्यायालय में काफी हद तक आसानी होगी, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उन्हें भी जल्द से जल्द निपटाने में। लेकिन अखिल चौधरी जी, आपके पास आते हुए देखिए 1955 में ईसाई मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी की महिला ने अडॉप्टेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि उसको अडॉप्टेशन के रूल्स में नहीं आती थी वो। 1984 एक मुस्लिम महिला ने ट्रिपल तलाक के लिए एप्लीकेशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, उसके बाद क्या हुआ ये जग जाहिर है। 2017 में ट्रिपल कानून को, ट्रिपल तलाक को अवैध बना करके उसको जो अवैध किया गया। तो आप ये देखिए कि अलग अलग धर्म के अंदर अडॉप्टेशन, मैरिज, मैरिज एज, उस कारण से जो प्रताड़ना मिल रही थी, आप देखिए समान होना चाहिए। तो अब उसके पश्चात भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा बना करके उसको पार्लियामेंट से एक नया कानून बना दिया। तो ट्रिपल तलाक से प्रताड़ित होती महिलाओं ने जब ट्रिपल तलाक को अवैध करार दिया तो पूर्ण समर्थन किया। तो आज यदि एक अपराध एक कानून हो तो क्यों ना बाकी सारी धाराएं समान हो। ठीक है, आप कह रही हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता तो इसका फायदा सभी तक पहुंचेगा। रामनारायण मीणा जी, आप तो खूब तारीफ कर रहे हैं, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे आप कह रहे हैं कि इसे लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अब्दुल लतीफ जी का कहना है कि ये कानून नहीं आना चाहिए, अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर। प्रकार से देश का माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के बारे में, बहुत गलत है। उन्होंने इसके पक्ष पक्षी बात नहीं की, उन्होंने कहा जो देश में नियम है धार्मिक रीति रिवाज होनी चाहिए, उनके अपने विचार है। लेकिन जिस प्रकार से यूनाइटेड सिविल कोड में भी जिस प्रकार से भावनाएं व्यक्त की जा रही है, ये बिल्कुल उनका सही कहना है, मेरा अपना विचार जरूर है, लेकिन देश को यूनाइट रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए भी कहीं जरूरी है तो प्रोविजो डालना चाहिए। इस समाज में इस पॉइंट पे वो अपने समाज के पुराने मान्यताओं को मानेंगे, क्योंकि पुरानी मान्यताओं को आप बिल्कुल खत्म करोगे तो हमारे देश की पहचान खत्म हो जाएगी। यह जरूर है, कॉमन सिविल कोड का मतलब ये नहीं है एक साथ सारे देश को एकजुट करके जिस प्रकार से क्या हो रहा है मिजोरम में, कुकियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, देश संभल नहीं रहा, भारत सरकार फेलियर है। फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कोई पूजा पद्धति विशेष से है, आपके चैनल पर भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी धर्म विशेष की ना तो पूजा पद्धति में कोई बदलाव होगा, ना कोई अन्य परंपराओं में बदलाव होगा। बदलाव होगा तो मात्र अन्य जो आपकी विवाह उत्तराधिकारी नियम है, अन्य सभी सुविधाएं जो बाकी समान रूप से लागू हो, जिसके माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को शोषित ना किया जा सके। जी मैम, हमारे समाज में किसी के तीन बेटे तो बगैर पगड़ी बांध देगा, क्या आप उसको तोड़ सकते हो? क्या तीनों को पगड़ी बांधेगी क्या मरने के बाद? सिस्टम है, प्रथाओं को, बिल्कुल सही कर, धर्म को, सिस्टम को, आपकी पूजा पद्धति को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा, आप यहाँ गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास मत करिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान श्रेणी में लाता है, हम सब समान नागरिक हैं। तो धर्म विशेष महिलाओं के साथ शोषण क्यों? आप पूरा सिविल आप पूरा पढ़कर आइए, चल रहा था ना देश, एक महिला ट्रिपल तलाक की लड़ाई करते करते 84 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, क्या हर महिला पहुंच सकती थी? एक क्रिश्चियन महिला एडॉप्टेशन का रूल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, क्या कोई महिला पहुंच सकती थी? मैरिज एज इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? बच्चियों के साथ अलग व्यवहार क्यों? ये भी गुमराह करने का एक तरीका है कि तिब्बत तलाक करके, तलाक तो आज भी हो रही है, तलाक रुक कहाँ गई? अब एक साथ नहीं दे करके एक एक महीने में तीन तलाक होती है, कौन सी परेशानी आ गई उसके अंदर? आप ये बात कह करके गुमराह कर रही है कि तीन तलाक का ये हुआ, तीन तलाक से ऐसा हुआ, गुमराह करने की बात नहीं है। हमारे कुरान ने साफ कहा है एक महीने में एक तलाक दो, और वो तलाक हो रही है, कहाँ गुमराह हो रही है? जनता के सामने परेशानी तो आपके है, कबूल है। तो फिर रामनारायण समर्थन कर रहे थे तब तक विरोध करने लग गए, कम से कम अपना पक्ष तो क्लियर रखिए। ये थोड़ी है कि आप जो है गुमराह करे जा रहे हैं, ये गुमराही है, कुछ नहीं है। हमारे आज भी तलाक होती है और एक एक महीने में एक करके तीन तलाक होती है, तलाक अपनी जगह है। आपके सात फेरों के बाद जन्म भर वो उसके साथ निभाएगी, वहाँ तलाक ही नहीं है। लेकिन अब्दुल साहब, इस सर्वे के बाद कम से कम आप ये मत बोलिए कि लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सर्वे के माध्यम से लगातार ये दिखा रहे हैं कि देश क्या चाहता है, और मायने ये रखता है कि देश क्या चाहता है। ये सर्वे के रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, भारत का मेगा यूसीसी सर्वे, कि आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। हाँ में जो जवाब आया है वो 67% है, नहीं में 25% लोगों ने जवाब दिया है, जबकि पता नहीं को लेकर 7.4% लोगों ने अपना मत रखा है। और दूसरा सवाल जब न्यूज 18 की ओर से पूछे गए तो इस पर जवाब सुन लीजिए, क्या कहती है जनता, क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? चौंकाने वाली बात है, अब्दुल साहब आप भी सुन लीजिए, हाँ में जो जवाब आया है लगभग 79% लोगों ने हाँ में इसे लेकर जवाब दिया है, 78.7% लोगों ने कहा है कि हाँ हम समर्थन करते हैं इसका, नहीं में सिर्फ और सिर्फ 16.6% लोगों ने इस पर जवाब दिया है। और इसी पर आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे आज शाम 7:56 पर, सबसे बड़ा सर्वे यूसीसी को लेकर, देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।